डोस रिस्पॉन्स रिलेशन मेरे पास पेशेंट है मैंने उसे ड्रग दी ठीक है ड्रग देने के बाद मेरे पास किस किस्म के रिस्पॉन्स आए ठीक है हो सकता ग्रेजुअल रिस्पॉन्स आया है ठीक है या फिर ये पॉसिबिलिटी या रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया ठीक है अब ये दो रिस्पॉन्स की टाइप्स हैं इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैंने वर्ड बोला है डोज रिस्पॉन्स रिलेशन डोज मीन्स मैं ड्रग की बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट दी लाइगेंट लाइगेंट मेरे पास दो तरह के हैं दैट कैन बी एगोनिस्ट दैट कैन बी एंटागोनिस्ट अब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए इट मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी एगोनिस्ट एगोनिस्ट ने क्या करना है रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है रिसेप्टर पे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करनी है देन इट विल वर्ड आपके बुक में लिखा है एलिसट आप बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि ये कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको एगोनिस्ट देगा एगोनिस्ट कैन बी फुल एगोनिस्ट एगोनिस्ट कैन बी पार्शल एगोनिस्ट मेरा फुल एगोनिस्ट जब सारे अपने फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रिसेप्टर्स हैं टोटल हंड्रेड ही रिसेप्टर है फॉर एग्जाम्पल मेरे एगोनिस्ट उन हंड्रेड के हंड्रेड रिसेप्टर्स को अगर बाइंड करता है तो मेरे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा अगर मेरा पार्शल एगोनिस्ट बाइंड करता है उन हंड्रेड रिसेप्टर्स के साथ उसने भी अपने अकॉर्डिंगली तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिया बट दैट मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज लेस एज कम्पेयर टू द इफेक्ट दैट वॉज बाई फुल एगोनिस्ट ठीक है फुल एगोनिस्ट यहाँ है पार्शल एगोनिस्ट यहाँ है आपके पास ठीक है अब एगोनिस्ट ने भाई क्या करना है हम लोगों ने भी पहले भी डिस्कस किया हम लोग अपनी ड्रग्स ही ऐसे डिजाइन करते हैं जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से इंटरनल आपके पास जो एंडोजनस है उससे मिलती जुलती हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंडोजनस है दैट इज दोरेपी नेफरीन मैंने आपको कह दिया नोरेपिनेफरीन इज ए नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी टर्मोनोजीज याद करना शुरू कर दो क्योंकि आगे जाके हम लोग ए पढ़ने जा रहे हैं वर्ड मैंने बोला नॉन सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव लिखने के बाद मेरे ऑथर ने लिपन में कह दिया इट विल बाइंड टू द बीटा वन रिसेप्टर ऑन दी हार्ट नॉन सेलेक्टिव मेरे पास बच्चों बीटा रिसेप्टर की थ्री टाइप्स हैं बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री मेरे पास नॉर्मली जो मैं डिस्कशन करती हूँ दैट इज अबाउट द बीटा वन एंड द बीटा टू मेरे नोर एपिनेफ्रीन हैज द एबिलिटी कि वो बीटा वन पे भी अटैच करती है बीटा टू पर भी अटैच कर सकती है तो इस वजह से मैंने इसको कह दिया दिस इज दी नॉन सेलेक्टिव एंड सब्सटेंस सिमिलरली जी ये मेरे पास मैंने कह दिया लाइगेंट है मेरे पास मार्केट में भी नोर एपिनेफ्रीन अवेलेबल है नेक्स्ट स्लाइड में देखो कौन सा ब्रांड अवेलेबल है नोर एपिनेफ्रीन का नोर एड्रिन एड्रीनालिन भी तो कहते हैं ना नोर एड्रीनाल भी तो कहते हैं तो नाम मैंने रख दिया नोर एड्रिन नॉन एड्रीनॉल नोरपीनेफिन किसी को थोड़ा सा आइडिया है अब हमने ए एन एस में ये ड्रग पढ़नी है कि एपिनेफ्रीन नो रेड्रीनालिन किस कंडीशन में यूज करते हैं एंटी हाइपर टेंसिव है इनक्रीज करती है तो एंटी हाइपर टेंसिव तो ना ना होगी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है यानी कि हम लोग मैं कह दूं ये हाइपोटेंसिव स्टेट्स में यूज़ होती है भाई हाइपोटेंसिव स्टेट्स आपके पास कब आ सकती हैं फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हाइपोटेंसिव स्टेट में जा सकते हैं ना ओके मेरे पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट आ गया मैं उसको दे सकती हूँ मेरे पास सेप्टीसीमिया का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पेशेंट आ गया ठीक है yes. तो ये इंडिकेशनस आपके पास नोर एपी नेफरिन yes. की ब्रांड मेरे पास जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज दी नोर एडोनिन फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है एटको ठीक है डोज इधर कितनी मेंशन है स्ट्रेंथ कितनी वाग़ारी। है फोर मिलीग्राम अच्छा अब इसकी डोजेज फॉर्म क्या है एम्पियूल्स हैं आईवी है ना आईवी है आईवी के एम हैं कितने एमप्यूल्स हैं मेरे पास फाइव एम है हर एक एम्प्यूल में कितनी क्वांटिटी है फोर एम एल क्वान्टिटी है ठीक है जी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आई भी है मेरे पास भी ये मेरे पास मार्केट में ड्रग है जो कि है नोर एपिनेफ्रीन जो कि मेरे पास मेरी नेचुरली मेरी बॉडी में भी प्रेजेंट है ठीक है बच्चों अब कितने मैग्नीट्यूड का कितनी शिद्दत का मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा दिस विल डिपेंड कि मेरा लाइगेंट कितने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करता है अच्छा ये चीज़ मैंने कह दी कि इट विल डिपेंड के कितने रिसेप्टर को उपाय करता है तो भई ये चीज़ तो मेरी डिपेंड करती है ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे और मैंने कितनी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन देनी है दिस विल डिपेंड ऑन द डोज एंड दिस विल डिपेंड ऑन द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मेरी ड्रग अगर ज़्यादा वेस्ट हो रही है तो मुझे डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज वही हैं जो आपने पढ़ी थी ए डी एम ई एब्जॉपन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड दी एक्सक्रीशन ठीक है ये भी एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके लिपन कॉर्ट की बुक में आ गया चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करने से पहले ठीक है क्या हम पढ़ने जा रहे हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप डोज किसकी डोज की बात कर रहे हैं लाइगेंट की बात कर रहे हैं लाइगेंट दो तरह के एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट जाहिर है हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो हम लोग एगोनिस्ट की पहले बात कर लेते हैं ठीक है, है? हमें रिस्पॉन्स को ब्लॉक करना है तो हम एंटेगोनिस्ट की बात कर लेंगे तो बच्चों डोज रिस्पॉन्स रिलेशंस मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहा था तो हो सकता है मैंने ड्रग दी ग्रेजुअल रिस्पॉन्स आया ठीक है yeah. मैंने ड्रग दी यहाँ तो रिस्पॉन्स आया यहाँ तो रिस्पॉन्स नहीं आया ठीक yeah. है yeah. तो बच्चों मेरे पास मैंने कह दिया आप दोनों रिस्पॉन्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक रिस्पॉन्स को आज पढ़ेंगे दोनों रिस्पॉन्स के टाइप्स कौन से है ग्रेडिड टाइप क्वांटल टाइप ठीक है ग्रेडिड ऐसा लगता है ना ग्रेजुअली रिस्पॉन्स बढ़ रहा है क्वांटल टाइम मींस ऑल और नन रिस्पॉन्स या आया है या, या नहीं है। आया